आज का हमारा टॉपिक है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करने से पहले कुछ और बातें मैं बता दूं आपको कि नॉर्मली हमारा हार्ट जो है वो एक नॉर्मल रेगुलर बीट या रिदिम में कांटेक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कुछ ख़ास तरह की सेल्स होती हैं हार्ट मसल में, मतलब ऐसे नोड होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकालती है ऐसे नोड, जिससे हमारा हार्ट कॉन्टैक्ट करता है और ब्लड पम्प करता है। इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम ECG रिकॉर्डिंग कहते हैं। डॉक्टर ECG इसलिए लिखता है क्योंकि वह यह जानना चाहता है कि आपका हार्ट सही तरीके से धड़क रहा है या नहीं। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया को जिस तरीके से बीट करना चाहिए या एट्रिया को जिस तरीके से रिदिम करना चाहिए, कॉन्टैक्ट करना चाहिए, वैसा वो बीट नहीं करता है, रिदिम नहीं करता है, कॉन्टैक्ट नहीं करता है। मतलब रेगुलर नॉर्मल बीट की जगह हार्ट इररेगुलर एबनॉर्मल बीट करता है और बहुत ज़्यादा फास्ट बीटिंग होती है, जल्दी जल्दी धड़कता है, धड़ 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 धड़, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल का जो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन है, जो साथ करने का जो एक नेचुरल फिनोमिना है धड़कना और रिलैक्स करना, वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में रैंडम, मतलब कि एक्टोपिक साइट्स से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इंटरप्ट करती है नॉर्मल कंडक्शन रिदिम में, है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसे नोड से करंट का निकलना बंद हो जाता है, या जो ऐसे नोड से करंट निकलता है, निकलने के बाद एट्रिया में फैलने के बजाय छोटे छोटे सेंटर से वो निकलने लगता है। इसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं एट्रिया में, वो एक्टोपिक साइट्स कहलाते हैं या एक्टोपिक सेंटर्स कहलाते हैं, है ना। वेरी रैपिड इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर ऑफ द हार्ट, ठीक है, और दिस प्रिवेंट्स द एट्रिया फ्रॉम प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये जो एक्टोपिक साइट्स हैं, एक्टोपिक सेंटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं एट्रिया को अच्छी तरीके से, अच्छे ताल में धड़कने से क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे एट्रिया का ताल गड़बड़ हो जाता है। तो जो एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हम लोग, ये है कि उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे हमने बताया कि बहुत जल्दी जल्दी हार्ट धड़क करता है, तो HR इंक्रीज़ होगा, ठीक है, HR इंक्रीज़ होगा। देखिए यहाँ पे HR इंक्रीज़ है, ठीक। उसके बाद चूँकि एट्रिया से करंट नहीं निकल रहा, या निकल भी रहा है तो एक्टोपिक सेंटर्स में क्या हो रहा है कि वो ये हो पा रहा है एट्रिया, जैसे आप अगर हार्ट का थोड़ा एनाटोमी अगर अंदर का देखेंगे तो चार चैम्बर होते हैं हार्ट में, ऐसे नोड सबसे ऊपर में राइट एट्रिया में होता है और यहीं से करंट निकलता है, यहीं से करंट जो है पूरा निकलता है, उसके बाद यहाँ AB नोड के पास जाता है, ठीक। तो यहाँ से करंट नहीं निकल रहा है, अगर निकलता भी है तो छोटे छोटे सेंटर्स में, एक्टोपिक सेंटर्स में वो ये हो जाता है, निकलने लगता है करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पी वेव नज़र नहीं आएगा आपको, देखिए यहाँ पी वेव जो है ज़ीरो है, पी वेव क्या है, ज़ीरो है, पी वेव अब्सेंट हो गया, है ना। एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव अब्सेंट होता है, ठीक। जब पी वेव नहीं रहेगा तो PR इंटरवल भी गायब हो जाएगा, तो PR इंटरवल भी एट्रियल फिब्रिलेशन में अब्सेंट होता है। ये सबसे ख़ास बात है, है ना, ये वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप एट्रियल फिब्रिलेशन का ECG ग्राफ अगर आप नोट करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि HR बढ़ा रहेगा, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, पी वेव गायब रहेगा, अब्सेंट रहेगा, PR इंटरवल अब्सेंट रहेगा। अब आइए QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन में QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। जैसे इतना चौड़ा QRS कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये क्या होगा कि इतना वाइड है QRS कॉम्प्लेक्स, इतना वाइड है तो थोड़ा नैरो हो जाता है, इतना वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स, जैसे कि QRS कॉम्प्लेक्स का जो आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता है QRS कॉम्प्लेक्स उसका कितना मिली सेकेंड होता है, तो 80 से 120 मिली सेकेंड QRS। यहाँ पे देखिए 73 है, लो है, इसका मतलब आर्टेरियल फिब्रिलेशन में QRS कॉम्प्लेक्स नैरो हो जाता है, ठीक। इररेगुलर बीट्स हो जाती हैं, आप यहाँ पे देखें ग्राफ में आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके देखिए, यहाँ पे
आर वेव है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है आर वेव का, इसकी दूरी और इसकी दूरी में बहुत फ़र्क है, देखिए है ना, इसकी दूरी में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, आप दूसरी जगह देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी दूरी आर इंटरवल की दूरी और इसकी दूरी वाइड है, ये फिर शॉर्ट हो गया, शॉर्ट, तो ये क्या है, इरेगुलर रिदिम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे।